हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम धीरज तिवारी, आप सभी को स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो नॉर्डिक कप T20 है जो चल रहा है दोस्तों, उस लीग के बारे में। तो मैच किस किसके बीच में खेला जा रहा है, तो डेनमार्क वर्सेस फिनलैंड के बीच में मैच खेला जा रहा है। तो दोस्तों, ये मैच के बारे में बात करें तो ये मैच स्टार्ट होने में लगभग 6 घंटे 46 मिनट बचे हैं दोस्तों मैच स्टार्ट होने में। उससे पहले मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। वो तीनों चीज़ें रहेगा दोस्तों, पिच रिपोर्ट, एवरेज स्कोर और उसके साथ आपका वेन्यू के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ आपको जाना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते होंगे कि सारा चीज आपको कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर पहले पिच के बारे में बात करें तो पिच आपको बैटिंग के लिए अच्छे सपोर्ट करेगा। भले बैलेंस्ड पिच है बट लेकिन आपको बैटिंग के लिए अच्छे सपोर्ट करेगा और ये पिच आपको फास्ट बॉलर के लिए अच्छे सपोर्ट करेगा। एवरेज स्कोर के बारे में बात करें 128 और 130 तक बन सकता है दोस्तों एवरेज स्कोर। उसके बाद अगर वेन्यू के बारे में बात करें तो जो वेन्यू है सेवन स्लोम पार्क बरांडी में खेला जाएगा दोस्तों, ये रहा वेन्यू। उसके बाद आपको एक छोटा सा काम है, वो क्या है कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लेना होगा। तो टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स, मैं क्यों भी बोल रहा हूँ कि मैं टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन करना दोस्तों, आपको कोई मेरा फाइनल टीम चाहेगा तो मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन कर लेना। तो बाई मिस्टेक अगर डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन हो तो आपको सीधा इस तरह टेलीग्राम में चल जाना होगा। टेलीग्राम में जाकर इस तरह आपको सर्च ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, सर्च ऑप्शन आपको इस तरह सर्च कर लेना होगा @jhofantasy करके। तो फ्रेंड्स, आपको सर्च करने के बाद आपको तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल आपको शो हो जाएगा। इस तरह शो होने के बाद आपको 2440 प्लस सब्सक्राइबर जिसमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसी में आपको ज्वाइन करना। तो उससे पहले सही तरह से सर्च करना होगा और बाकी फेक अकाउंट को आपको अवॉइड करना, क्योंकि दोस्तों फेक अकाउंट है तो आपको फेक टीम देकर लॉस भी करवा सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इन अकाउंट से आपको दूर रहना, क्योंकि दोस्तों वो अकाउंट को फॉलो करेंगे तो आपको लॉस भी करवा सकता है। और मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहेंगे तो आपको सब लॉसेस रिकवर करवा दूंगा दोस्तों, ये मेरा 100% श्योर वादा है। उसके बाद अगर बात करें मेरे टेलीग्राम चैनल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, चलिए एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों, आज का मुकाबला जो सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जो बीच में मैच खेला जाएगा, विजय अग्रवाल लिंक द्वारा दोस्तों 50,000 का फ्री एंट्री दे रहा है दोस्तों, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों मैं टू बी फ्रैंकली बता रहा हूँ, विजय अग्रवाल द्वारा आप मनी इजीली से अर्न कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों विजय अग्रवाल जो ऐप है आपको मनी इजीली अर्न करना दोस्तों, विजय अग्रवाल से तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो आपको ये लिंक डाउनलोड कीजिएगा, और 50,000 कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है, इसलिए बोल रहा हूँ अकाउंट को डाउनलोड कीजिए कर खेलिए दोस्तों। और उसके बाद आपको मैं मई मास्टर अग्रवाल द्वारा 1,00,000 का फ्री एंट्री दिया गया है दोस्तों सेम मैच पर। तो दोस्तों, मई मास्टर अग्रवाल का खासियत यह है कि दोस्तों नया नया लॉन्च हुआ है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं रहता, लो कॉम्पिटिशन है, मनी इजीली से अर्न कर सकते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों मई मास्टर अग्रवाल का खासियत। उसके बाद अगर बात करें आपको मैं DUO को भी टीम दूंगा दोस्तों, DUO का टीम सिर्फ आपको कुबेरा का द्वारा मिलेगा। तो 5 प्लेयर में आपको उस तरह एक प्लेयर का चुन के दे दूंगा दोस्तों, मैं 100% श्योर के साथ बता रहा हूँ, आप 100% श्योर में मनी इजीली से अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये क्या बोले जाते हैं, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, जस्ट एग्जाम्पल के बोल रहा हूँ, सीधा से आपको 30-40 रुपये मिलेगा दोस्तों, ये रहा कुबेरा का खासियत। उसके बाद कोई भी टीम आपको टॉस जीतने के बाद क्या फैसला करता है, दोनों टीमों का प्लेइंग 11 भी इस तरह आपको मिल जाएगा दोस्तों, देखिएगा। आपको काफी इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल रहा है दोस्तों, कोई भी अपडेट होगा तुरंत मेरे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो तुरंत मैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो इसीलिए मैं आपको वीडियो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था। तो दोस्तों, चलिए आप लेट नहीं करते हैं, टीम को बना के दे देता हूं दोस्तों। तो हम लोग पहले विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर को पिक करेंगे दोस्तों। कुल मिलाकर 11 प्लेयर को पिक करते हैं। इन 11 प्लेयर का आपको ऑलमोस्ट हर प्लेयर का स्टैट्स के बारे में बताऊंगा दोस्तों, लास्ट 3 या 5 मैच का। उसके बाद अगर बात करें आपको मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का नाम भी बता दूंगा। फ्रेंड्स, ये सारा चीज आपको जानना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो दोस्तों, हम लोग पहले इंपॉर्टेंट विकेट कीपर में पिक करते हैं। तो मैं पहले बता चुका हूं पिच आपको बैटिंग के लिए सपोर्ट कर रहा है दोस्तों, किस किस बैट्समैन को पिक कर सकते हैं पहले बैट्समैन पे, तो विकेट कीपर पर देखिएगा। तो हम लोग इंपॉर्टेंट विकेट कीपर में पिक कर रहे हैं जॉर्डन ऑर्बरिन, एक इंपॉर्टेंट विकेट कीपर है। उसके साथ अगर बात करें हम लोग 2 विकेट कीपर के साथ जा रहे हैं, अब्दुल हामजी को पिक कर सकते हैं दूसरे कीपर पे। तो दोस्तों, दोनों कीपरों का स्टैट्स के बारे में देखा जाए तो लास्ट 5 मैच का आपको मिल रहा है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा। 9 रन बनाए थे 14 गेंद खेल के, दूसरा मैच 4 रन बनाए थे 2 गेंद खेल के, तीसरा मैच 59 रन बनाए थे 24 गेंद खेल के, और तीसरा मैच में देखा जाए 3 रन बनाए थे 4 गेंद खेल के, उसके बाद 4 रन बनाए थे 2 गेंद खेल के। तो दोस्तों, तीसरा मैच अलावा कोई ये प्लेयर 10 रन से भी ज्यादा नहीं मारे, बट लेकिन दोस्तों एक्सपीरियंस है तो ये प्लेयर को इधर कन्फर्म कर लीजिएगा। और अब्दुल हामिद आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों, एक ही मैच खेले 33 रन बनाए थे 36 गेंद खेल के, और बाकी मैचेस नहीं खेले दोस्तों, एक छोटा सा इंजुर्ड है दोस्तों, बट लेकिन ये मैच में कमबैक कर रहे हैं और 100% शॉट पिक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन रहने वाला है। तो दोस्तों, हम लोग 2 विकेट कीपर को इधर कंफर्म कर लिए, जे ओरबनेन, अब्दुल हामजी को पिक कीजिए 2 विकेट कीपर पर। तो दोस्तों, दोनों विकेट कीपर आपको इंपॉर्टेंट विकेट कीपर है। उसके बाद आप बैट्समैन में किस किस को ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, पहले बैट्समैन में देखा जाए तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बैट्समैन को पिक कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
साहेंजिन तक्षिण सॉरी फ्रेंड्स तक्षकास्तिन को पिक कर सकते हैं पहले बैट्समैन पे, उसके साथ अगर बात करें आर्टिफ राशिद को पिक कर सकते हैं दूसरे बैट्समैन पे और सरन असलम को पिक कर सकते हैं दूसरे तीसरे बैट्समैन पे। तो दोस्तों तीनों बैट्समैन का स्कोर कार्ड देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सांघवी आते दोस्तों लास्ट में 59 रन बनाए थे 68 बॉल्स खेल के, उसके बाद 41 रन बनाए थे 64 बॉल्स खेल के, उसके बाद 9 रन बनाए थे 10 गेंद खेल के और दोस्तों 4 ओवर डाल के कोई सफलता नहीं। उसके बाद अगर बात किए रन 15 रन बनाए थे 18 गेंद खेल के, उसके बाद 43 रन बनाए थे 16 गेंद खेल के, उसके बाद 2 ओवर डाल के एक सफलता। ये रहा दोस्तों पहला बैट्समैन का स्कोर कार्ड। उसके बाद अगर बात करें तो रशीद का बारे में बात करें तो लास्ट में जो 28 रन बने थे 16 गेंद खेल के, उसके बाद 4 रन बने थे 2 गेंद खेल के और तीसरा में जो 31 रन बने थे 18 गेंद खेल के, तीसरा में जो 33 रन बने थे 12 गेंद खेल के, उसके बाद अगर बात करें तो लास्ट में जो 17 रन बने थे 10 गेंद खेल के। ये रहा दोस्तों आरिफ रशीद का स्कोर कार्ड। उसके बाद अगर बात करें तीसरे बैट्समैन पे आते हैं आपको तीसरे बैट्समैन में आते हैं दोस्तों सरसन असलम। तो बारे में बात की 2 रन बनाए थे 4 गेंद खेल के, उसके बाद 26 रन बनाए थे 13 गेंद खेल के, उसके बाद 10 रन बनाए थे 7 गेंद खेल के और उसके बाद 33 रन बनाए थे 13 गेंद खेल के, उसके बाद 48 रन बनाए थे 16 गेंद खेल के। ये रहा दोस्तों तीनों बैट्समैन का स्कोर कार्ड। उसके बाद चौथे बैट्समैन में आते दोस्तों फाइम नेलाश्री को पिक कर सकते हैं। लास्ट मैच में 0 रन पर डकआउट हो गए थे, लास्ट दूसरे मैच खेले नहीं है। उसके बाद 3 रन बनाए थे 5 गेंद खेल के, 26 रन बनाए 15 गेंद खेल के, 2 रन बनाए 3 गेंद खेल के। बट दोस्तों ये प्लेयर को इधर अवॉइड मत कीजिएगा क्योंकि दोस्तों ये प्लेयर जो है थोड़ा सा अच्छे फॉर्म पे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों काफी सीजन से मैं बता रहा हूँ ये प्लेयर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये प्लेयर को इधर कंफर्म कर लीजिएगा। दोस्तों हम लोग 4 बैट्समैन को पिक किए हैं तो ये चारों बैट्समैन को इधर हम लोग पिक कर लेते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तारिकिस्तान, ए रशीद, ए आर्सन और फनाल कैनिन को पिक किए दोस्तों 4 बैट्समैन से। ये चारों बैट्समैन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों आप ऑलराउंडर्स में किस किस को ट्राई कर सकते हैं, दोस्तों पहले ऑलराउंडर में आप किसको ट्राई कर सकते हैं देखिएगा। तो हम लोग इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर में पिक करते हैं हमिद शाह। उसके बाद अगर बात किया तो डैमगार्ड को पिक कर सकते हैं दूसरे ऑलराउंडर पे। तो दोस्तों हम लोग 2 ऑलराउंडर के साथ जाते हैं, दोनों ऑलराउंडर आपको इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये प्लेयर का देखिएगा स्कोर कार्ड मैं बता रहा हूँ, तो 5 मैच का स्कोर कार्ड आपको मिल रहा है। 36 रन बनाए थे 24 गेंद खेल के, उसके बाद 20 रन बनाए थे 18 गेंद खेल के, 1 रन बनाए थे 21 एक विकेट था दोस्तों, एक सफलता 4 ओवर डाल के, उसके बाद 14 रन बनाए थे 14 गेंद खेल के, उसके बाद 42 रन बनाए थे 24 गेंद खेल के, उसके बाद 17 रन बनाए थे 27 गेंद के, 3 ओवर डाल के कोई सफलता नहीं है। ये रहा दोस्तों हमिद शाह का स्कोर कार्ड। उसके बाद अगर बात किया तो निकोलस दामगार्ड को देखा जाए तो 6 रन बनाए थे 3 गेंद खेल के, 3 ओवर डाल के एक सफलता, उसके बाद 20 रन बनाए थे 11 गेंद खेल के, 4 ओवर डाल के 2 सफलता, उसके बाद पहली गेंद पर आउट हो गए बट लेकिन 4 ओवर डाल के कोई सफलता नहीं। उसके बाद 81 रन बनाए थे 236 गेंद खेल के और 4 ओवर डाल के 2 सफलता है। उसके बाद अगर बात करें 4 रन बनाए थे 3 गेंद खेल के, 1 ओवर डाल के एक सफलता है। ये दोस्तों निकोलस का स्कोर कार्ड। तो दोनों ऑलराउंडर्स को इधर कंफर्म कर लीजिएगा दोस्तों, ये दोनों ऑलराउंडर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों दोनों ऑलराउंडर्स आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहने वाले हैं। उसके बाद अगर बात किया गेंदबाज में आप किस 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 प्लेयर को पिक कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेंदबाज में आते हैं दोस्तों मोहम्मद अजदुरमान को पिक कर सकते हैं पहले गेंदबाज में, उसके साथ सुहेद मुनीर को पिक कर सकते हैं दूसरे गेंदबाज में और महेश तोम्बे को पिक कर सकते हैं तीसरे गेंदबाज में। दोस्तों तीनों गेंदबाजों को स्कोर कार्ड के बारे में देखा जाए तो लास्ट मैच में 4 ओवर डाल के एक सफलता, उसके बाद 1 रन बनाए थे 1 गेंद खेल के, 4 ओवर डाल के एक सफलता, उसके बाद अगर बात करें 3 ओवर डाल के कोई सफलता नहीं, उसके बाद 4 ओवर डाल के कोई सफलता नहीं और उसके बाद 4 ओवर डाल के एक सफलता है। दोस्तों ये रहा मोहम्मद का स्कोर कार्ड। उसके बाद सुहेद मुनीर के बारे में बात किया तो लास्ट मैच में 4 ओवर डाल के कोई सफलता नहीं, उसके बाद 53 रन बनाए थे 23 गेंद खेल के, उसका 4 ओवर डाल के एक सफलता, उसके बाद देखा जाए तो तीसरा मैच में 4 ओवर डाल के एक सफलता है 17 रन दिए थे दोस्तों, उसके बाद 4 ओवर डाल के 2 सफलता है, उसके बाद 4 ओवर डाल के एक सफलता है। ये रहा दोस्तों दूसरे गेंदबाज का स्कोर कार्ड। उसके बाद अगर बात करें मुकेश तुम्बा, तो लास्ट मैच 10 रन बनाए थे 8 गेंद खेल के, 4 ओवर डाल के कोई सफलता नहीं, उसके बाद अगर बात करें 15 रन बनाए थे 16 गेंद खेल के, 2 ओवर डाल के कोई सफलता नहीं है, उसके बाद बैटिंग का मौका नहीं लेकिन 30 रन मारे थे दोस्तों सिर्फ 3 ओवर में, कोई सफलता नहीं। उसके बाद अगर बात करें 1 रन बनाए थे 6 गेंद खेल के, 4 ओवर डाल के कोई सफलता नहीं, उसके बाद दोस्तों 3.4 गेंद डाले थे दोस्तों, 4 ओवर डाले थे 4 सफलता है। ये रहा दोस्तों चारों बैट्समैन का चारों तीनों बॉलर का स्कोर कार्ड। ये तीनों बॉलर से इधर कंफर्म कर लीजिएगा दोस्तों क्योंकि तीनों गेंदबाज आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों ये तीनों गेंदबाजों को इधर हम लोग कंफर्म कर लिए, तो हम लोग 2 विकेट कीपर, 4 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर, 3 बॉलर के साथ जा रहे हैं। तो कुल मिला के 11 प्लेयर को पिक कर लें दोस्तों। इन 11 प्लेयर का आपको ऑलमोस्ट हर प्लेयर का स्टैट्स के बारे में बता दियो। अब मैं कैप्टन और विस कैप्टन के बारे में कह देता हूँ दोस्तों। आप कप्तान पर ट्राई कर सकते हैं, इसमें आपको नो डाउट रहने वाला है।
तो दोस्तों इधर हमिद शाह को इधर कंफर्म कर लीजिए कप्तान पे, और रशीद को पिक कीजिए वाइस कप्तान पे। तो दोस्तों मैं कैप्टन रविश कप्तान आपको परफेक्ट प्लेयर का नाम बता दिया, और आपको कोई कंफ्यूजन हो सर मेरी टीम को देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल विकेट कीपर्स हम लोग 2 विकेट कीपर्स को पिक किए हैं, बैट्समैन हम लोग 4 बैट्समैन को पिक किए हैं दोस्तों, और उसके बाद ऑलराउंडर्स में 2 ऑलराउंडर्स, उसके बाद बॉलर्स में देखा जाए 3 बॉलर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको आपको जो मैं ये टीम दे रहा हूँ बिल्कुल भी फाइनल टीम मत समझिएगा, क्योंकि दोस्तों फाइनल टीम में कोई भी प्लेयर मिसिंग होता है तुरंत मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहने के लिए बोल रहा था। और आपको जो टीम दे रहा हूँ स्मॉल लीग ग्रैंड लीग हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट 5 स्पॉट और हेड टू हेड में ट्राई करेंगे दोस्तों, मैं 100% श्योर के साथ बता रहा हूँ आप मनी इजीली से अर्न कर सकते हैं, ये मेरा पक्का वादा है। उसके बाद मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ इस वीडियो में, और मैं आपको वीडियो को यहीं पर अर्न कर देता हूँ दोस्तों। आपको वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब कॉमेंट भी जरूर कर देना फ्रेंड्स। और दोस्तों आपको कोई प्लेयर का चेंजिंग करना तुरंत मुझे कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपको तुरंत से तुरंत रिप्लाई दूंगा विद इन सेकेंड्स में। तो दोस्तों मैं आपको वीडियो को यहीं पर अर्न कर देता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद।